हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषय। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और आज की हमारी अपडेट होने वाली है सिरेमिक इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, या कह सकते हैं इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड। यहाँ पर एक वीडियो है, इसमें बताऊंगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे जो आपको बता देना चाहिए कि आप इंटरव्यू में प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर फायदा मिलेगा। और सारे इंपॉर्टेंट चीज़, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो अपना अभी बीटेक के अंदर अपने जो प्रोजेक्ट कर रखा है उससे सारी इंपॉर्टेंट जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो आपने प्रोजेक्ट कर रखा है उसके लिए फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट्स है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके क्या आपके प्रॉस कॉन्स हैं, सब चीज़ मतलब उसको आपको पता होना चाहिए, उसका क्या यूज़ हो सकता है आगे चल के। तो इस तरीके का आपका जो भी रहेगा आपको ध्यान रखना है, मतलब अपना प्रोजेक्ट का भी बहुत अच्छे से करके जाना, जो भी बीटेक में कर रखा है, आपने डिप्लोमा में कर रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, बहुत सारे जो सिरेमिक के आपको वहाँ पे मिलेंगे, कुछ कैंडिडेट वो ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1-2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह कंपनी के अंदर कर रखा होगा, तो उनसे आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट टेल ऑस योर प्रीवियस एक्सपीरियंस सिरेमिक इंजीनियरिंग फील्ड, तो उनसे पूछा जा सकता है कि आपका पहले क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने किस सिरेमिक के अंदर, किस फील्ड के अंदर आपने काम करा। सिरेमिक्स के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें वर्क रहता है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन जो अब जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्वेश्चन जो है, मुझे लगता है कि हायर हो सकते हैं, मतलब उन क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं और उनके हायरिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है, पहला क्वेश्चन, वाइल डिजाइनिंग और डेवलपिंग ए सिरेमिक प्रोडक्ट व्हाट प्रिंसिपल और कोड्स वन नीड्स टू फॉलो, मतलब किसी भी सिरेमिक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमें किस प्रिंसिपल्स और कोड्स का आवश्यकता होती है और किन्हें हमें फॉलो करना होता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। सिरेमिक प्रोडक्ट को अगर कभी भी डिज़ाइन करते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, किस प्रिंसिपल्स को उसमें लगाना होगा, तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन है। आप लोग सिरेमिक वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी थ्योरम्स यूज़ की जाती हैं, कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं सिरेमिक को डिज़ाइन करने के लिए, और आपके क्या नीड्स होती हैं, कैसा आपको कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके अपना थोड़ा पढ़िए, बेसिक तरीके से डिज़ाइन करिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन का कैसे जवाब दे सकता हूँ। आगे क्वेश्चन जो है, टेल अस सम लेटेस्ट एंड कॉमनली यूज टेक्निक फॉर कूलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सिरेमिक मटेरियल प्रोडक्ट। तो मतलब आजकल जो सिरेमिक मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उनमें हम कूलिंग और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उनकी मजबूती बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप हमें टेक्निक बताइए कि हम सिरेमिक्स को स्ट्रेंथ बढ़ाना है या सिरेमिक को आपको कूलिंग के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि हमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, स्ट्रेंथनिंग करनी है, या आपसे पूछा जा सकता है कि हमें उस सीरिंग मटेरियल को कूलिंग करनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको विल प्रिपेयर करके चले। और याद रखिए आप लोग इसमें इस चीज़ को आप क्वेश्चंस को नेट पे सर्च करें, अपनी बुक्स में सर्च करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, वाइल वर्किंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हाउ वुड यू एश्योर द ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए सिरेमिक प्रोडक्ट। मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी यू एश्योर कैसे आप एश्योर करेंगे किसी सिरेमिक प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ। मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडी के, मान लीजिए आपकी जॉब लगी है टाटा स्टील JIT के अंदर, या आप लोगों को पता है कि स्टील की इंडस्ट्री है, तो आपका इसके अंदर आपका सिरेमिक्स का आप कैसे, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितना, मतलब टिकाऊ है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना टिकाऊ है, उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसकी मजबूती कितनी है, आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो जब आप इसके बारे में बेसिक सिलेबस के बारे में बेसिक लॉ पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे और बेसिक इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा, कि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, हाउ कैन डिसाइड डिजाइन टेक्सचर एंड पैटर्न ऑफ अ सिरेमिक प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट नीड्स। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर हमें कौन सा टेक्सचर चाहिए, कहाँ पर हमें सिरेमिक का कौन सा पैटर्न चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी डिज़ाइन चाहिए। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि हम किसी भी जगह पर सिरेमिक यूज़ करने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर क्या डिज़ाइन चाहिए, क्या टेक्सचर चाहिए और क्या पैटर्न चाहिए, इस चीज़ को हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, और इंटरव्यू आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पे पूछा जाता है कि आप लोग का देखा जाता है कि आप लोग का इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर कितना, आप उस चीज़ के अंदर कितना चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं आप लोग की, अगर आप लोग ने बुक्स को अच्छे से पढ़ रखा होगा, आप लोग को पता होगा कि कहाँ पर किस एनवायरनमेंट के अंदर, किस टेम्परेचर के अंदर या किस जैसा भी माहौल है उसके अंदर हम किस तरीके का आपका सिरेमिक मटेरियल का यूज़ करना है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका अगर आप कहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड आप लोग को पता होगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की चीज़ें कैसी हैं। तो इस चीज़ को भी आप देखिए कि आप सिरेमिक मटेरियल का कैसे डिज़ाइन या सिरेमिक मटेरियल का कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर कौन सा यूज़ किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे,
टेल अस अबाउट दोज रिसर्च मेथड एंड प्रोसेस दैट इज सिरेमिक इंजीनियर कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी। तो देखिए आजकल बहुत सारी सिरेमिक्स के ऊपर भी रिसर्च चल रही है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए कि लेबोरेटरी में हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या रिसर्च करनी पड़ेगी, कैसे उस टेक्निक्स को जानना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर कौन सा सिरेमिक मटेरियल का यूज़ करना है। हर एक इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को पता होगा सिरेमिक्स मटेरियल का यूज़ किया जाता है और उनका अलग अलग डिज़ाइन होता है, अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग उनकी उनकी जिस हिसाब से उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो अलग होता है, टेम्परेचर के हिसाब से भी अलग होता है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी अलग होता है, हर चीज़ के हिसाब से अलग होता है। तो आप लोग को थोड़ा सा देखना है कि अगर हम अगर मतलब जो रिसर्च मेथड्स हैं कौन से रिसर्च मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सिरेमिक्स को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग लेबोरेटरी के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हैं वो ऐसे हैं जो आप लोग को एज अ प्रैक्टिकल बेस आप लोग को काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, डिफाइन द वर्क एरिया फॉर सिरेमिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टीज। मतलब आपका क्या एरिया, सिरेमिक्स के अंदर भी आपके बहुत सारे वर्क एरिया होते हैं जहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन होता है। आप लोग को बताएं कि आप लोग का कहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, आप किस सिरेमिक्स के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं, मतलब आपका एकदम कह सकते हैं उसमें आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपके बारे में पता है। तो इस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपका वर्क एरिया है, आप किस चीज़ में सिरेमिक में एक्सपर्टीज रखते हैं। जैसे अलग अलग ब्रांच होती है, जैसे मैकेनिकल की बात करूँ तो कुछ लोग थर्मो में, कुछ लोग आईसी इंजन में, तो कुछ लोग प्रोडक्शन में, तो सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, उनको सब्जेक्ट की नॉलेज रहती है। और आप एज अ फ्रेशर हैं तो अभी आपको केवल सब्जेक्ट की नॉलेज रहेगी, आपको प्लांट की नॉलेज नहीं रहेगी। अब जैसे कि आप मान लीजिए आप एज अ जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा तो उससे पूछा जा सकता है कि आप पावर प्लांट में आपको नॉलेज है, आप किसी को मेंटेनेंस में नॉलेज होती है, किसी को प्रोडक्शन में नॉलेज होती है। ऐसे करके केमिकल के अंदर या सिरेमिक के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर अलग अलग नॉलेज होती है, तो आप लोग बता सकते हैं। अभी तो आप यहाँ पर अगर फ्रेशर हो तो अपना सब्जेक्ट की नॉलेज बताइए। सिरेमिक्स में ही बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको जो सब्जेक्ट बेस्ट लगता है उस सब्जेक्ट को बताइए, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, आपको अच्छे से नॉलेज है, आपको अच्छे से वो चीज़ बता सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, आगे बढ़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट आर द क्वालिटी कंट्रोल मेथड फॉर सिरेमिक प्रोडक्ट एंड मटेरियल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिरेमिक की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के मेथड्स का यूज़ किया जाता है, किस तरीके की थ्योरम्स का यूज़ करा जाता है, और कैसे हम सिरेमिक की क्वालिटी को हमेशा के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि प्लांट के अंदर कहीं भी अगर वो सिरेमिक यूज़ होता है तो हम उसमें क्या क्या टेक्निक लगा सकते हैं जिससे उसकी क्वालिटी जो है कंट्रोल है, क्वालिटी उसकी लो ग्रेड में ना जाए, हमेशा हाई ग्रेड में उसकी क्वालिटी को रहे। तो ये चीज़ भी आपसे पूछा जा सकता है कि हम कैसे क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप नेट पे जितना ज़्यादा सर्च करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, टेक्निक्स को पढ़ेंगे, तो उतना ज़्यादा आप लोग को एक्सपीरियंस होगा कि हम इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करके क्वेश्चन को दे सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेरा आइडिया देना है कि आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन वहाँ पर डायरेक्ट पुट आउट किया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा आपका सिरेमिक प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो आपको इस तरीके से आपको पता होना, जो भी आपके बेसिक पॉइंट्स हैं आप सब्जेक्ट में पढ़िए, उनकी थ्योरम्स को पढ़िए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हाट काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर वी नीड टू फॉलो व्हाइल वर्किंग विद सिरेमिक्स स्पेशली इन केमिकल इंडस्ट्री। तो देखिए ये भी आपका एक पूछा जा सकता है, आप किसी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और वहां पर आपका सिरेमिक्स का यूज किया जाता है, तो वहां पर आपको क्या मतलब ऐसी सेफ्टी के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स आपको रखने चाहिए कि प्लांट में वहाँ पर किसी भी तरीके को कोई नुकसान ना हो और प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज़ होती रहे। तो आपको ऐसे क्या सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर रखने होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने हैं एज अ केमिकल इंजीनियर, अगर आप किसी प्लांट में जाते हैं या जूनियर केमिकल इंजीनियर भी आप किसी प्लांट के अंदर जाते हैं, तो आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर फॉलो करने होंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको रखने होंगे ताकि आप लोग की वहाँ पर प्लांट के अंदर किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी से रिलेटेड दिक्कत ना हो और आपका प्लांट में कोई भी आपका नुकसान ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। और अब यहाँ पर देखिए, जो भी आपने प्रोजेक्ट सिरेमिक्स के आपने बीटेक में या डिप्लोमा में जो भी आपने सिरेमिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर आपने प्रोजेक्ट्स कर रखे होंगे, जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपने डाटा कलेक्ट कर रखा होगा, जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करा होगा या प्रोजेक्ट करा होगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस प्रोजेक्ट के आगे क्या एप्लीकेशन हैं, उस प्रोजेक्ट के क्या आगे क्या एडवांटेज हैं, उस प्रोजेक्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं कि आपने बेसिकली वो प्रोजेक्ट किया तो उस प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं यूज़ होगा, एप्लीकेशन होगा, आपको लगता होगा कि उस तरीके का प्रोजेक्ट हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा आप लोग को नहीं पता प्रोजेक्ट के बारे में तो बेसिक कम से कम कुछ थोड़ा बहुत आप लोग इतना तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ के ही जाएँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है, क्या है, कैसे बनाया है, क्या करा है, तो इस तरीके आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। बिंदास होकर आप लोग इंटरव्यू देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिए और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो पूछा जाने के बाद एकदम उसका रिप्लाई मतलब देने का कोशिश
टेंशन ना करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, उस चीज़ को बैठिए और सोचिए कि उसने वो क्वेश्चन बेसिकली पूछा क्या है। आराम से आप लोग उसका रिप्लाई करेंगे तो आप लोग, हमें बता दूँ, आप लोग उसका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर कर पाएंगे, उस क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दे पाएंगे, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये एक मेरी केमिकल से रिलेटेड यहाँ पे एक वीडियो थी, सॉरी सिरेमिक रिलेटेड आपकी ये वीडियो थी। केमिकल के मैं क्वेश्चन पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो सिरेमिक्स इंडस्ट्री के अंदर आपके क्या क्वेश्चन थोड़े बहुत पुट आउट कर जा सकते हैं, उसकी एक बेसिक नॉलेज थी कि इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या सकते हैं। बाकी एडवांस में और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो तो आप लोग अपना रेडी कर ही रहोगे, लेकिन मेरा एक आपको बेसिक आइडिया दिलाना था इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, और मैं अभिषेक आपके साथ इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।